फ्रेंड्स, आज मैं मिनी ट्रायंगल मींस ब्रेड पकोड़ा बनाने जा रही हूँ, जिसमें स्टफिंग मैंने पनीर की है। ये पनीर ब्रेड पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफी पसंद आएगा। इसे हरे चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अंदर इसकी स्टफिंग जो है पनीर की है, जिस वजह से ये अंदर से ही बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे मैंने चटनी का यूज किया है, इसे चटपटा और थोड़ा टैंगी टेस्ट देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें ये पनीर ब्रेड पकौड़ा मिनी ट्रायंगल कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड पकोड़ा बनाने जा रही हूँ, जिसमें स्टफिंग जो मैं पनीर की करने वाली हूँ, मीन्स ये पनीर ब्रेड पकोड़ा है। तो इसके लिए मैंने पहले तो बेसन लिया है, बेसन मैंने एक बड़े कटोरी के मेजरमेंट से लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी बना रही हो उस हिसाब से लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, एक छोटे चम्मच से मैंने छोटा चम्मच हल्दी इसमें डाला है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप ऊपर की कोटिंग थोड़ी स्पाइसी रखना चाहती हैं तो फिर कश्मीरी लाल मिर्च या तीखा लाल मिर्च का यूज़ कीजिएगा पाउडर का। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें लिया है, बिकॉज मुझे ज़्यादा तीखा बनाना नहीं है, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी सिर्फ इसमें डाला है फॉर अ ब्यूटीफुल कलर, ताकि ब्रेड पकौड़े का कलर जो ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो इसमें उसके बाद हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालना है, अजवाइन थोड़ा सा लेना है। इसे थोड़ा सा अगर आप मल के डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जल्दी आ जाएगा। तो और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसे मैंने सूखी कढ़ाई में रोस्ट करके घर में रेडी किया है पाउडर को। तो ये वाला छोटे चम्मच से मैंने दो बार हाफ ऑफ दिया, मीन्स फुल चम्मच देना है इसमें धनिया पाउडर। उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी नहीं है बट थोड़ा सा टेक्सचर में चेंज आता है। तो बेकिंग पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा एक चुटकी बिल्कुल हल्का सा बेकिंग पाउडर, ये ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप टेस्टी पकौड़े बना लेंगे, बट थोड़ा सा टेक्सचर में अंतर आता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है, फूले फूले भी बनते हैं, इस वजह से मैंने इसमें डाला है। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, वरना बेसन के जो लम्स है उसे खत्म करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है, और इसका बैटर जैसे कि हम नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा सा पतला रखना है। तो उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर को रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे पानी हाफ कप से ज़्यादा इसमें पानी यूज़ कर लिया है ये बड़े वाले मग से, और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें लम्स भी नहीं है। और इसी स्टेज में अगर आपको लम्स इसमें दिखते हैं तो आप इसी स्टेज में इसे मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से, वरना फिर बाकी पानी डालने के बाद वो नहीं होगा। और उसके बाद आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ब्रेड पकौड़े के लिए, नॉर्मली हम जैसे रखते हैं ताकि कोटिंग अच्छे से ऊपर से ब्रेड में हो जाए, उस हिसाब से पानी इसमें और ऐड करते करते इसे आराम से मिक्स करते हैं। ये एक मग पानी जो है मेरा इसमें पूरा ले लेगा, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अलग रख लेते हैं और फिलिंग रेडी कर लेते हैं। बाद में हमें जैसा भी ज़रूरत होगा, इसमें पानी की ज़रूरत होगी या नहीं होगी तो फिर हम बाद में देख लेंगे। इसे मिक्स करके हम रख देते हैं, फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने पनीर ले लिया है, पनीर को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने घर में पनीर रेडी किया है, इसलिए एग्जैक्ट मैं इसका मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, फिर भी अप्रॉक्स ये 200 ग्राम तो ज़रूर होगा। तो इस टाइप की स्टफिंग करके जब भी कोई चीज़ बनाए जो डायरेक्ट फ्राई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप घर का पनीर यूज़ करें फॉर अ बेटर टेस्ट। तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर हरी मिर्च इसमें बारीक काट के हरी मिर्च ज़रूर ऐड कर लीजिएगा इसको चटपटा बनाने के लिए। बट मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है। और फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। अगर चाट मसाला नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप भुने हुए जीरे पाउडर में थोड़ा सा गोल की मीन्स काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, उसको भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी एक अच्छा फ्लेवर देता है। गर्म मसाले का पाउडर आप यूज़ कर सकती हैं। फिर इसमें ढेर सारा हरा धनिया, ये मेरा फेवरेट हरा धनिया इसमें जाएगा ढेर सारा, आप इसे बिल्कुल फ्रेश हरे धनिया का यूज़ कीजिएगा, मीन्स मार्केट से लाके तुरंत यूज़ करना है, स्टोर किया हुआ यूज़ मत कीजिएगा।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस स्टेज में आप थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं, अगर आप हरे धनिए का फ्लेवर नहीं पसंद करती इतना ज़्यादा तो फिर इसकी जगह आप पालक बारीक काट के पालक का यूज़ कीजिए, या फिर कद्दूकस करके गाजर का यूज़ कीजिए, उसकी जगह शिमला मिर्च का यूज़ कर सकती हैं बारीक काट के, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर पनीर के साथ उसका यूज़ करें, और इस टाइप से अपने पसंद के अकॉर्डिंग फिलिंग को रेडी कीजिए। फ्रेंड्स अब हम ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं, इसकी स्टफिंग भी रेडी है, बैटर भी रेडी है, तो अब स्टफिंग को हम ब्रेड में लगा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लाइस लेना है, उसमें हमें हरी चटनी, हरी चटनी मैंने नॉर्मली जैसे घर में हम बनाते हैं, हरे धनिया पत्ता, टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च, नमक, बस इन्हीं का इंग्रेडिएंट्स का मैंने यूज़ किया है। टमाटर मैंने थोड़ा सा कम पका हुआ लिया था, जिस वजह से ज़्यादा गीला नहीं होगा हमारा चटनी, तो उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। ये काम थोड़ा सा स्पीड में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज़ जो ब्रेड है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, तो चटनी का जो पानी है वो बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से ये टूट भी सकता है। तो आराम से इसमें हम रफली ऐसे ही स्प्रेड कर लेते हैं, तो गिरेगा उससे कोई पंगा नहीं है, वो तो फिर उठा के फिर बाउल में ले लिया जाएगा। तो इसे आराम से ऐसे ही फैला लेते हैं अच्छी तरह से, ये रेडी है। बहुत ज़्यादा स्लाइस को हम रेडी इस टाइप से करके नहीं रखेंगे, और जैसे जैसे हमें फ्राई करना है वैसे ही वन बाय वन हम स्टफिंग रेडी करते जाएंगे, ताकि ब्रेड जो है वो टूटे ना। अगर हम एक साथ सारा स्लाइस जो है 6-7 सैंडविच हम रेडी करके रख लेंगे ना, तो बहुत जल्दी वो फिर टूटने लगेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मैं पिज़्ज़ा रेडीमेड जो मार्केट में डॉक्टर ओटकर का फन फूड का आता है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, वो मैं स्प्रेड करी थोड़ा सा इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए। आप इसके जगह नॉर्मल सॉस, टोमेटो, केचप का भी यूज़ कर सकती हैं, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको मैं इसमें अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, और उसके बाद इसे कट कर लेते हैं। आप जैसे चाहे ट्रायंगल में या फिर स्क्वायर में, जैसे आपको मन हो उस हिसाब से इसको कट कर लेते हैं। कट करने में एक बात और, अगर ये तो नॉर्मली ऐसे एक चीरा लगाने के बाद ये रेडी है फ्राई करने के लिए, बट अगर आप केयरफुली इसे चाहती हैं कि ये टूटे ना, तो एक और इसका कट लगा देते हैं। छोटे छोटे मिनी ट्रायंगल्स में इस पकोड़े के रेडी होंगे। फ्राई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और कोई पंगा नहीं है, वरना ऐसे बड़े बड़े स्लाइस ये ऑलरेडी इतना बड़ा है ना कि इसे जब हम तेल में डालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फ्राई करने में। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस हम इसे कट कर लेते हैं और तेल को गर्म करने के लिए रख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ट्रायंगल रेडी करने के बाद बहुत देर तक उसे छोड़ना नहीं है, तो मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है, तो उसमें अब हम मिनी ट्रायंगल को डिप करके बेसन में इसमें केयरफुली डालना है। ये ट्रायंगल जैसा कि मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, जिस वजह से इसको डालना थोड़ा सा आरामदायक हो गया है, बहुत बड़े बड़े साइज में ना थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप से हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स इसमें डिप करके, बेसन में डिप करके इसमें डाल देते हैं, और इसे अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक ना, क्रिस्पी होने तक इसको छान लेना है, क्योंकि पकोड़े का टेस्ट तो तभी आएगा ना जब वो पूरा अच्छे तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो पकोड़े को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक छान लेते हैं, और जिस समय इसे हम डालेंगे ना, नीचे तो वो तेल में डिप है ही, ऊपर का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा इस टाइप से चम्मच से या जिससे भी आप छान रही हैं, छन्नी से, जिससे भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर तेल डाल देंगे, ताकि ऊपर का भी जो पोर्शन है ना वो थोड़ा थोड़ा कुक होते रहे, और नीचे जब लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो चुका है तब इसे आराम से हम थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। ये देखिए वन साइड थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इसको पलट लेते हैं और ऐसे ही गोल्डन होने तक इसे हम छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़े को मैंने पलट पलट के अच्छी तरह से छान लिया है, अब इसमें मेरा मन चाहा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ, इसका एक्स्ट्रा तेल जैसे कि निकल जाए इस टाइप से छान के थोड़ा देर ऐसे रख लेते हैं, और तेल इसका एक्स्ट्रा तेल जैसे कि निकल जाए, और इसको आराम से बिल्कुल सावधानी से तेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी शाम का या सुबह का नाश्ता है, बच्चे भी इसे पसंद करेंगे, मेरे बच्चे तो इसे ठंडा ही खा लेते हैं, तो मैं कभी कभी लंच में भी उन्हें देती हूँ इसे खाने के लिए, वैसे गर्मा गर्म तो खैर बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए पनीर ब्रेड पकौड़ा तैयार है, ये मिनी ट्रायंगल मेरा रेडी हो चुका है, इसे आप हरे धनिया के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी आएगा, और ट्रस्ट में ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई करें, इस मौसम में खाने के लिए तो ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सजेस्ट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।